परमेश्वर के बिना, परमेश्वर को जगह दिए बिना, किसी पर भी विश्वास करके हम उसे दिल में रखकर उसकी आराधना करते हैं, किसी पर भी विश्वास करके अपने दिल में उसे जगह देकर परमेश्वर जैसे उसकी उपासना करते। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ईश्वर है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी देवी है, इस तरह से कहते हुए अपना जीवन आप उन्हें सौंप देते हैं। कुछ लोगों के लिए बॉटल ही देवता है, नींद से जागते बॉटल को नमस्कार करते हैं। गौर से सुनिए, थोड़े समय के आनंद के लिए पाप के काम करते चले जाएंगे तो जानते हैं क्या दाम चुकाना पड़ेगा? पता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसमें वास करने के लिए उसकी सृष्टि की, इसलिए सृष्टि की कि मनुष्य के दिल में वो वास कर सके। लेकिन जानते हैं मनुष्य ने क्या किया? जो पाप उसे नहीं करना चाहिए था उस पाप को करके उसने अंधकार को अपने दिल में आने दिया। मनुष्य के दिल में प्रभु की उपस्थिति अब नहीं रही है। मनुष्य के हृदय में परमेश्वर को रहना चाहिए था, लेकिन अभी मनुष्य के हृदय में नहीं है, इसलिए अशांति है, नहीं है इसलिए समाधान नहीं है। और इसलिए कह रहा हूं, इस संसार में जो चाहिए सब आपको मिल जाएगा, लेकिन शांति, समाधान, संतुष्टि, ये सब यहां इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिल सकते हैं। ये परमेश्वर ने भेजा हुआ प्रोडक्शन है, और ये तो ऐसी बात है जो केवल परमेश्वर ही मनुष्य को दे सकता है, और इसलिए ये महा सौभाग्य है। केवल परमेश्वर द्वारा मनुष्य शांति में जी सकता है, केवल प्रभु के द्वारा मनुष्य परिवार की शांति में जी सकता है, केवल प्रभु के द्वारा मनुष्य आनंद में जी सकता है। लेकिन परमेश्वर के बिना जिएंगे तो, गौर से सुनिए, एक समय एक विमान, धरती से 10 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला ऐसा विमान, अचानक ही जैसे वो नीचे आने लगा, और जैसे वो नीचे गिरने पर था, उस समय यहां पर एयरपोर्ट पर यह व्यक्ति काम कर रहा था, उसने तुरंत ही, हां, पायलट ने तुरंत ही संकेत दे दिया कि यह विमान अभी बिल्कुल गिरने की अवस्था में है, फ्लाइट अभी गिरने पर है। इस तरह से संकेत और वार्निंग उसने भेज दी। जानते ये सब कुछ क्यों हुआ? ये विमान चलाने वाला व्यक्ति वो अपनी सीट पर बैठकर वहां उस समय आईपैड के ऊपर में गेम खेल रहा था। विमान शुरू करके ऑटो मोड में लगा दिया और कुछ भी हो आईपैड पर वो गेम खेलने लग गया, और जब उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा, धीरे धीरे और नीचे आने लगा, जमीन के पास में आ गया और अभी क्रैश होने ही वाला था, और वार्निंग सुनते ही वो उछल पड़ा। मनुष्य अगर कुछ समय के लिए ध्यान न दे तो प्राण चले जाएंगे। अगर मनुष्य परमेश्वर के बारे में अगर अनदेखा करता है, परमेश्वर जो कि मनुष्य को चलाता है उस परमेश्वर की परवाह नहीं करे, तो आप जरा सोचिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन वो कैसा होगा। ड्राइविंग सीट में जहां पर परमेश्वर को बैठना चाहिए अगर वहां पर वो नहीं है तो आप किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, जरा आप सोचिए। तो आज मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया क्या आपने उसे उसकी जगह उसे दी है? परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की है क्या आपने उसे उसकी योग्य जगह दी है? वही तो सबसे पवित्र है, वही तो सबसे धर्मी है, और वही तो सच्चा है। वो तो पवित्र है, और हम जो उस पर विश्वास करते हैं इसलिए वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी पवित्रता और सच्चाई में अपना जीवन जिए। देखो जहां भी देखते हैं वहां पर पाप बढ़ते जा रहा है, जहां भी देखो वहां पर बस भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है, जहां भी देखे वहां पर मनुष्य का स्वार्थ आग जैसे बढ़ते जा रहा है। इस पापी समाज में अगर आप लोग परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए तो ये कितना अच्छा होगा। समाधान से भरा हुआ व्यक्ति, आनंद से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के लिए ज्योति जैसा जीवन अगर आप अपने जीवन में जीते चले जाएं तो ये कितना अच्छा होगा। परमेश्वर आपसे यही तो अपेक्षा करता है। आपके जीवन को चलाने वाला, आपके नाम को चलाने वाला, उसे अपने दिल में आपको जगह देनी चाहिए। उसे जगह देने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमें बताता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में। परमेश्वर बताता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में, इस तरह कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा यहां पर खटखटाता हूं। परमेश्वर आपके द्वार पर खड़ा खटखटाता है, आप उसे ऐसे कब तक रखेंगे? इस संसार में आप कब तक जिएंगे? आप कब तक निराशा में जीते रहेंगे? कब तक आप पागलपन में जीते रहेंगे? कब तक आप इस तरह से निराशा में जीवन जीते रहेंगे? कब तक आप
इस तरह का पाप में जीवन जीते और शांति और दुखों में जीते चले जाएंगे। मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, मैं भीतर आऊंगा तो तुम्हारे जीवन को सही करूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं अच्छा बना दूंगा, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगा, जीवन को बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। शांति से, समाधान से, आनंद से, संपन्नता से आशीष दूंगा, मैं तुम्हें यह सब दूंगा। परमेश्वर कहता है, जरा देखिए वचन 20, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। स्वयं परमेश्वर भीतर आएगा, परमेश्वर खुद हमारे हृदय में आएगा, परमेश्वर खुद हमारे अंदर में वास करेगा, बस केवल द्वार खोलना है। आज हम में से बहुत से लोग दुखों में अपना जीवन जी रहे हैं, आप जानते हैं इसका कारण क्या है? आप बहुत सी समस्याओं से लड़ते जा रहे हैं, समझते हैं? जो परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, उस परमेश्वर को हमने अपने दिल में जगह नहीं दी है। परमेश्वर के बिना ही हम अपना जीवन जी रहे हैं, इस कारण मेरे भाई, इसलिए मेरी बहन, क्या आपके दिल में परमेश्वर है? आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है, ये मनुष्य के बनाया परमेश्वर नहीं है। आपके सृष्टि करने वाला परमेश्वर क्या आपके दिल में रहता है? अगर आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके दिल में है तो वो आपके दिल को पवित्र करेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा, आपके जीवन में जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर पहुंचाएगा, नहीं तो आपका जीवन खतरे में होगा, भविष्य खतरे में होगा, परिवार खतरे में होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में होगा, आपका काम खतरे में होगा, आपका व्यापार खतरे में होगा। इतने सारे खतरे के बीच आप कब तक झिंझोड़ते रहेंगे? आपको बस इतना ही करना है कि अपने जीवन को आप प्रभु को सौंप दे। आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अगर आप उसे अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, अगर आपका जीवन उसे आप सौंपते हैं, तो फिर वो आपको शांति देगा, समाधान देगा, तसल्ली देगा, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को और आपके परिवार में आने वाली समस्याओं को और जितने भी कष्ट आपके जीवन में आएंगे उसके लिए उसके पास जवाब है। और आपको तो बस अपने सृष्टिकर्ता को अपना जीवन सौंप देना है। एक दिन एक बहुत बड़े व्यापारी जो कि दूसरे शहर से वहां पर आए थे, उन्होंने एक कैब बुक की और कैब आ गई, टैक्सी आ गई, उसे एयरपोर्ट में जाना था और एयरपोर्ट में जाने के लिए उसके पास में समय बहुत ही कम था, तो उन्हें वहां पर जाने के लिए बहुत जल्दी थी और उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से इस तरह से कहा, थोड़ा सा आप जरा तेजी से चलाइए, और वो चलाने लगे। और जैसे कि वो रफ्तार से जा रहे थे उस समय कार में कोई समस्या आ गई, कार वहां रुक गई, जल्दी जाने के बारे में सोचा और जबकि उनकी कार वहां पर रुक गई तो वो परेशान हो गए और ड्राइवर ने उनसे कहा, आप टेंशन मत लीजिए, कहा सर आप परेशान मत होइए, मैं इस कार को पिछले 10 साल से चलाते आया हूं, इसकी क्या समस्या है ये मुझे अच्छे से पता है, आप 1 मिनट रुकिए, कहकर वो जल्दी से इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है, रिपेयर करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। 5 मिनट हो गए रिपेयर कर रहा है, फिर 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए अभी भी रिपेयर कर रहा था, तो ये बिजनेसमैन अंदर परेशान हो गया। जल्दी से वो कार से बाहर आता है और ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, ये समस्या मुझे मुश्किल दिख रही है, ये मुझसे रिपेयर नहीं होगी। ड्राइवर ने कहा, मैं इसे हल नहीं कर सकता हूं, मुझे लगता है कि ये समस्या मेरी जो समझ है उससे बिल्कुल परे है, ये टैक्सी शुरू नहीं हो रही है। और फिर इस व्यापारी ने कहा, तुम मुझे कटिंग प्लायर दो, मुझे स्क्रू ड्राइवर दो और तुम बैठ जाओ। और यहां पर असहाय होकर ड्राइवर ने क्या किया, लीजिए ये कटिंग प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सब देकर सीट पर वो बैठ गया। बस 30 सेकंड में ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, जरा कार शुरू करके देखिए, और उन्होंने शुरू की और कार शुरू हो गई, 30 सेकंड में कार शुरू हो गई। ड्राइवर बहुत ही चकित हो गया लेकिन ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा और जल्दी से वो उन्हें एयरपोर्ट लेकर गया। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे उन्होंने उसे पैसे दिए और वो निकलने लगे तो इस समय टैक्सी ड्राइवर बहुत ही परेशान हो गया, उन्होंने उनसे कहा, सर सर जरा 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ?
मैं इस कार को पिछले 10 साल से चला रहा हूं, लेकिन आज की जो समस्या थी उसे मैं क्यों नहीं हल कर पाया। मैंने रिपेयर की कोशिश की, मैंने हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आपने हाथ लगाया तो क्या किया, बस 30 सेकंड में ही आपने रिपेयर किया। आप सूट वूट पहने हैं, बस 30 सेकंड में ही आपने इसे ठीक कर दिया। बताइए आप कौन है सर? और फिर व्यापारी ने कहा, मुझे बताइए आपकी कार किस कंपनी की है? ये तो फोर्ड कंपनी की है सर, फोर्ड। तो इस व्यापारी ने उसे जवाब देते हुए कहा, जानते हैं ये जो फोर्ड कंपनी है वो तो मेरी है। तुम इस कार को पिछले 10 साल से चला रहे हो, लेकिन इस कार को जो बनाने वाला है वो तो मैं हूं। इस तरह की कार में किस तरह की समस्या आती है ये सब बात मैं जानता हूं। आपने मुझे इसे रिपेयर करने दिया, इसे देखने की अनुमति आपने दी, आपने अपनी कार मेरे हाथों में दी, इसलिए मैं बस 30 सेकंड में इसे ठीक कर सका, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस जीवन की यात्रा में जिन समस्याओं में से होकर जाते हैं, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर जिंदा है। समस्या तो ऐसी नहीं जिसे परमेश्वर हल नहीं कर सकता। समस्या इसलिए है क्योंकि आपने अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है। डॉक्टर ने बीमारी को देखकर आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है। समस्या डॉक्टर में नहीं है, समस्या तो हम में है। और समस्या क्या है? हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, और आप तो अपना जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीते हैं। आज के दिन समस्या का कारण परमेश्वर नहीं है, आज के दिन समस्या का कारण यही है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। बस अपनी इच्छा के अनुसार जीना ही समस्या है, बस अपनी मर्जी के अनुसार हम करना चाहते हैं, यही तो समस्या का कारण है, यही तो समस्या का कारण है, यही बीमारी का कारण है। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि आपको चंगाई दे और आपको पूरी तरह सिद्ध बनाए। परमेश्वर की यही तो इच्छा आपके लिए है। परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की, परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम किया, आपसे प्रेम करने वाला ऐसा परमेश्वर क्या चाहता है? उसे क्या चाहिए? आपकी भलाई उसे चाहिए, आपकी सुरक्षा ही उसकी इच्छा है, आपका आनंद ही उसकी इच्छा है, आप खुशी से अपना जीवन जिए यही उसकी इच्छा है। बस यही तो उसकी इच्छा है। आपको और मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसकी यही इच्छा है। उसकी जो खुशी है, उसका जो समाधान है, उसने जो आशीष हमारे जीवन में योजना बनाकर रखी हुई है, उसे हम अपने जीवन में कैसे खोल सकते हैं? हम उसे कब हासिल कर सकते हैं? हम उसे अपने जीवन में कैसे हासिल कर सकते हैं? ये कार जो खराब हो गई थी, उसने उसे ठीक करने के लिए उसके हाथ में सौंप दिया। अगर शर्ट फट जाता है तो क्या करते हैं? हम शर्ट को टेलर के पास में लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि जहां से वो फटा है वहां पर वो सिलाएगा। अगर आपकी चप्पल टूट जाए और अगर आप चप्पल को पहने रहें और फिर ये कहे कि मेरी चप्पल को ठीक करो, तो बताइए क्या वो ठीक हो सकती है? यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी चप्पल सिला दूं, तो आपको चप्पल निकालकर मुझे सौंपनी होगी। अगर आपका सेलफोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरा सेलफोन काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे रिपेयर करने वाले को देना चाहिए। अगर आपकी घड़ी खराब हो जाए, वो सही तरीके से काम नहीं करती, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी घड़ी ठीक हो जाए, तो आप अपनी घड़ी ठीक करने के लिए किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे जो इसे रिपेयर करता है, वही इसे सही करेगा। अगर आप टेलर के पास में कपड़ा ले जाएं और कहें कि आप मेरे लिए एक अच्छा शर्ट इससे सिल दीजिए, अगर वो कपड़ा आप अपने हाथ में ही रखे, उसे न दे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये कपड़ा उसे सौंपना होगा और उसे आपको सिलवाना होगा। अगर आपका शर्ट फट गया है तो उसे निश्चय ही सिलवा लेना होगा। अगर आपकी चप्पल फटी है तो उसे जरूर सिलवाना होगा, उसे ठीक करवाना होगा, उसे ठीक करने वाले व्यक्ति के हाथ में ही सौंपना होगा। अगर आज अपना जीवन ठीक करना है, जो विचारधारा खराब हुई, बोलने वाले शब्द खराब हुए, और चाल चलन जो खराब हुआ है, ऐसा खराब हुआ जीवन, ऐसा खराब हुआ जो बंधन है, ऐसा खराब हुआ जो जीवन है, उसे सही करने के लिए परमेश्वर है। वो कौन है? आपका सृष्टिकर्ता, वो एक ही परमेश्वर है। अगर इस परमेश्वर को आप अपने जीवन में न्योता देते हैं, तो परमेश्वर सब ठीक करेगा, समाधान से आपको भरेगा, शांति से आपको भरेगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत ही शरारती था, हमारे पूर्वजों में से कोई भी विश्वासी नहीं था,
वो सब अपने जीवन को अपने अपने विश्वास के अनुसार ही जीते जा रहे थे। जब मैं बहुत छोटा था, 11 या 12 साल का था, तो बहुत ही शरारती जीवन जीता था। हमारे एक रिश्तेदार का सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम कोई भी सिनेमा बस ऐसे ही जाकर देख सकते थे। मैं ट्यूशन भी पास में ही लगा लेता था ताकि किसी भी समय जाकर मैं सिनेमा देख सकता था। और सिनेमा देखते हुए हीरो के जो एक्शन थे, जैसे वो सिगरेट पीते, तो वैसे ही बहुत कम उम्र में मैंने भी सिगरेट पीना शुरू किया। ताश खेलते देखता तो बचपन में ही मैं ताश खेलने लग जाता था, और जब भी पैसों की ज़रूरत थी इस कम उम्र में पैसे पाने के लिए मैं कैरम खेलने लग जाता था, मैच खेलता था। उन दिनों में मैं ताश खेला करता था, उन दिनों में पढ़ाई नहीं करता था, बस उस समय मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते रहता था। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो तो बहुत रोती थी, पढ़ाई के बिना जीवन जी रहा था, मौज मस्ती में अपना बस जीवन जी रहा था, किसी की सुन नहीं रहा है। सुबह अलग ड्रेस पहनता, दोपहर में अलग ड्रेस पहनता था, और फिर शाम को घर में आता था, फिर से ड्रेस बदल कर चली जाता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, सुनो मैं तुम्हारे सारे कपड़े जला दूंगी। मैंने कहा, आप क्यों जलाती हैं, मैं ही खुद सारे जला देता हूं। और मैंने अपने सारे कपड़े जला दिए, कैसे सह सकते हैं। मैंने रस्सी पर जितने कपड़े थे सभी को मैंने आग लगा दिया। वहां से जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा, देखो आग लग गई, आग लग गई। मैंने कहा, क्या हुआ, मैंने तो इसे जलाया है। इस तरह था, जानते ये सब कैसे था, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा। और ऐसे समय माँ कहती थी कि परमेश्वर भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। वो रोती थी। गौर से सुनिए, ऐसे ही समय में जब मैं अपनी मनमर्जी में जी रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था, प्रभु के एक प्रचारक हमारे नगर में आए, जो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मनुष्य के जीवन में जो भी खराब हुआ, यही परमेश्वर केवल यही है जो उसे ठीक कर सकता है, अद्भुत रीति से ठीक कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है। तो एक दिन मैं कमरे में गया, मुंह के बल गिर गया। कहा, तुम कहते हो कि मनुष्य को बनाया है, जिंदगी ठीक कर देगा, ये कहते हो। जीवन कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, अगर जीवन को आपके हाथ में सौंप दें तो आप ठीक कर देंगे, ऐसे कहते हैं। मैंने कहा कि आपको ये बात पता है, मेरे गांव में मेरा जैसा बिगड़ा व्यक्ति कोई भी नहीं है, ऐसे मैंने कहा। बहुत ही कम उम्र में मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं और अपनी माँ को दुखी किया है, क्या मुझे बदल सकती हो। अगर आप मुझे सही कर सकते हैं, मेरे जीवन को अगर आप सही कर सकते हैं, मेरे इतने गंदे जीवन को अगर आप सही कर सकते हैं, तो मैं अपने जीवन भर आप ही की महिमा करूंगा। तुम तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, तुम्ही ने सभी मनुष्य जाति को बनाया है, मेरा जीवन एक जीवित गवाही हो, क्या मेरा जीवन बदलोगे। अगर तुम सच में इसे बदल सकते हो तो अभी इसे बदल दो। कम उम्र में ये छोटी सी प्रार्थना मैंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से की थी, और उसी पल मेरा जीवन तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया था। और जब मैं वहां पर उठा, पहले तो हमेशा सिनेमा हॉल में घूमते रहता था, लेकिन वो आखिरी दिन था। दिन भर मैं दोस्तों के साथ भटकता था, लेकिन वो आखिरी दिन था। मेरे जीवन में इस तरह से आए अद्भुत बदलाव को देखकर मेरे घर वाले सोचते थे, ये कुछ पागलपन है, इससे कोई मानसिक रोग हो गया है। ये बहुत खुश रहता था, हाँ, और ये चुलबुला था, लेकिन देखो अभी क्या हो गया है, अब तो ये बिल्कुल शांत है, पहले बहुत चुलबुला था, यहां वहां भागते रहता था, पुराना जीवन नहीं रहा है। वो इस बात को नहीं समझ सके कि मैंने अपना जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सौंप दिया है, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, मैं अपने दोस्तों के पास में गया और मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पेन चुराया था, मैंने तुम्हारी पेंसिल चुराई थी, और तुम ये कह रहे थे कि मेरी पेंसिल कहाँ गई, मुझे नहीं मिल रही है, वो मैंने ही चुराई थी। तुम्हारा इरेजर जो तुम्हें नहीं मिल रहा था, वो मैंने ही खाया था, इरेजर मैं खाते रहता था। अरे मेरा इरेजर कहाँ गया, कहाँ मिलेगा, मैंने तो खा लिया था, उसके छोटे टुकड़े कर देता था। क्लास में जिस किसी को मैंने परेशान किया, मैं हर एक के पास में गया जिसे मैंने परेशान किया था, जिसे मैंने तंग किया था, मैंने जाकर कहा, मुझे माफ करना,
मैंने उन सभी से माफी मांगी। वो पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने अपना जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दिया है, उसने इसे ठीक कर दिया है। इसके बाद में मैं किसी के लिए कोई भी समस्या नहीं लाऊंगा। और मेरे क्लास के सभी दोस्त मेरी ओर चौंक कर देख रहे थे। कुछ समय बाद मैं सिंगापुर गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरे कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। वो मुझसे मिलने आए, सतीश कुमार आए हैं तो चलो खाने के लिए ले चलते हैं। स्कूल के समय के मेरे एक जो दोस्त थे वो भी मुझसे मिलने के लिए आए, मेरे बाजू में बैठ गए। कहा, जब भी मैं भारत में जाता हूं, जब भी मैं भारत में जाता हूं, जब अपने राज्य में जाता हूं, जहां भी देखूं वहां तुम्हारे वॉल पोस्टर्स मुझे दिखते हैं, मैं जहां भी देखूं तुम्हारी फोटो दिखती है, और जब भी मैं अपने प्रांत में जाता मैं वहां पर तुम्हारे बारे में पूछता हूं, वो कहते हैं ये तो बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं, बहुत ही ऊंची जगह पर आज के दिन ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, कहते हैं। जब वैसे कहते हैं तो मुझे तुम पर गर्व होता है। ये मेरे साथ में स्कूल में पढ़े हैं, मैं कहता, और इससे मुझे भी गर्व होता है। इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। आज भी मुझे याद है जब हम सातवीं में पढ़ रहे थे, जब तुम मुझसे ये कह रहे थे कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मेरा जीवन बदल गया, ऐसा तुमने सातवीं में कहा था। वो जिद क्या थी और वो बदलाव क्या था, ये आज मैं देख सकता हूं। जब भारत में मैं आया था तब मैंने ऐसे सुना, आज भी मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय तुमने कहा माफ करना यार, और तुमने जो कुछ भी उस समय कहा था वो सब अभी तक मुझे याद है। मैंने जान लिया तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है, वो आज पता चल रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, उस ड्राइवर के बिना मेरा जीवन ऐसे आगे बढ़ रहा था, और फिर कुछ समय के बाद में मेरे जीवन को अद्भुत रीति से चलाने वाला वो अद्भुत ड्राइवर अभी मुझे मिल गया है, और इसीलिए उसने मेरे जीवन में मुझे स्थिरता दी है। देखिए, मनुष्य के जीवन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के इस जीवन में ड्राइवर होना चाहिए। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सभी मनुष्य जाति को बनाया है, वो मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान पाया। मुझे देखने वाले मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्राप्त किया है? जानना ही काफी नहीं है, पहचानना ही काफी नहीं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो केवल डॉक्टर के पास जाकर उसे सुनना काफी नहीं है। आप जाकर उनसे मिलिए, और वो आपको जो कुछ कहते हैं उसके अनुसार आप करते चले जाइए। ट्रीटमेंट करवाना है, दवाइयां लेनी है, और फिर वैसे ही करते जाना है। इसलिए जीवित परमेश्वर को जानना काफी नहीं है, आपको उसे स्वीकार करना है, अपना जीवन आपको उसे समर्पित कर देना है। अब तक आप अपनी खुद की अगुवाई करते रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते आए हैं। अब तक आप केवल नफरत करते आए हैं, बैर करते आए हैं। नौकरी में कोई आशीष नहीं मिल रही है, व्यापार में कोई लाभ नहीं हो रहा है, परिवार में कोई समाधान नहीं है, कोई खुशी नहीं है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिलती है। गलत दोस्तों के साथ में जी रहे हैं, तमाशा बना दिया है, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया है। प्रभु के नाम में आपसे विनती करता हूं, आपके ऐसे जीवन के कारण आपके माता पिता के सिर में दर्द कर रखा है, ऐसे जीवन के कारण आप अपनी पत्नी के लिए कितने बड़े दर्द बन गए हैं, इस तरह कितने लोगों को दुखाया है, अपने परिवार को दुख दिया है। आपने केवल दुख दिया है अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे और बेटियों को। कब तक आप ऐसे श्रापित जीवन जीते रहेंगे? कब तक आप ऐसे दुर्भाग्य में जीवन जीते रहेंगे? कम से कम आज ये जीवन जो कि बर्बाद और व्यर्थ हो चुका है, उसे अच्छा करने के लिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप समर्पित हो जाए, और वो अद्भुत तरीके से आपके जीवन को बदल देगा। मुझे बदलने वाला परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल देगा।